की ढेर सारी AR मिसेस इंडिया। और उनके साथ हैं ससुराल सिमरका की रोली गाना गाती हुई बिग बॉस की सृष्टि रोड, सिमर का जेठ सिद्धांत भी यहाँ पर है। ये सब रैंप वॉक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मिसेस इंडिया को चीयर अप कर रहे हैं। और देखो देखो इन लेडीज को, शादी के बाद भी अपना टैलेंट दिखा रही हैं। तभी तो कहते हैं शादी फुल स्टॉप नहीं, इट्स अ कॉमा। और यही तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं AR मिसेस इंडिया के ये पुणे ऑडिशंस, जिसका सारा लेखा जोखा लिख कर आया है सास बहू और बेटियां। तो चलिए चले पुणे। नागपुर के बाद अब AR मिसेस इंडिया का काफिला पहुंच गया है पेशवा की नगरी पुणे, जहां पर पुणे की गृहिणी दिखा रही हैं अपना टैलेंट। कोई डांस कर रहा है, कोई गाना सुना रहा है, कोई रैंप पे चल रहा है, और इन टैलेंट को जज कर रहे हैं टीवी की दुनिया के जाने पहचाने सितारे। इस बार AR मिसेस इंडिया के पुणे ऑडिशन में हमारे जूरी मेंबर्स हैं अविका गौर यानी बालिका वधु और ससुराल सिमरका की रोली, और इनके ऑन स्क्रीन बलिए मनीष राय सिंघानी यानी ससुराल सिमरका के सिद्धांत। इन्हें ज्वाइन किया है सृष्टि रोड़े ने, जो बिग बॉस के बाद नजर आई AR मिसेस इंडिया के मंच पर बतौर जज। कुल्फी कुमार बाजेवाला के तेवर सिंह यानी विशाल सिंह भी यहां पर मिसेस इंडिया का टैलेंट जज करते नजर आए, और इनके साथ है निवेदिता बासु जो दिखा रही हैं साड़ी में वह मिसेस इंडिया का टैशन। AR मिसेस इंडिया के पुणे ऑडिशन को जज कर रहे हैं आलोक नरूला, और इन सब के साथ खास मेहमान है सास बहू और बेटियां जो पहुंच गया है पुणे इन सभी सितारों के साथ पुणे की गृहिणियों से मिलने। लेकिन सबसे पहले चलते हैं सभी सितारों के रूम में और देखें कि क्या तैयारी चल रही है AR मिसेस इंडिया के पुणे ऑडिशन के लिए। सबसे पहले अविका गौर के कमरे में चलते हैं। अरे वाह, अविका ने तो एक लंबे समय के बाद साड़ी पहनी है, बिल्कुल ससुराल सिमरका की रोली जैसी लग रही है। क्यों अविका? सारी तैयारी हो रही है पुणे में। हाँ, मैं पुणे में हूँ, AR मिसेस इंडिया होने जा रहा है, तो उसके पुणे के ऑडिशंस हैं आज, तो मैं आई हूँ जज करने, और मेरे साथ कोई और भी है। भाई जब अविका रेडी है तो मनीष कैसे पीछे रहे, और जब अविका और मनीष यानी रोली और सिड मिलते हैं तो शरारतें और मस्तियाँ थमती नहीं। What's up? ये बच्चा हमारे साथ आया है। बच्चा तो होगा ही ना, अभी क्या करे। आंटे यार, इसको ना ससुराल से मिलने की बहुत याद आ रही थी, तो इसलिए और आज मौका भी ऐसा रोस्ट रिक्रिएट करने का सोचा। एकदम चढ़ती जवानी तेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। हाय रामा, आंटी 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 मत कहो ना। क्या काला कहो? देखो हम लोग एक दूसरे से मिलते ही इसलिए कि हम दोनों एक दूसरे की बेइज्जती कर सके, बस इसके अलावा कुछ होता नहीं है। तो क्यों चाहते हो आप हम लोग मिले एक दूसरे से और एक दूसरे की बेइज्जती करें? भाई अविका और मनीष की छेड़छाड़ तो चलती रही, लेकिन जरा इनका बॉलीवुड स्वैगर तो देख ले। दोनों बन गए सिम्बा के रणवीर, और शुरू हो गया इनका आंख मारे मोमेंट। मिसेस इंडिया 2019 और अविका और मनीष आ पहुंचे हैं पुणे, जहां पर पुणे में कैसा
माहौल लग रहा है फिलहाल तो, और क्या एक्सपेक्टेशन है कैसा माहौल और होगा? हमारी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है अभी, क्योंकि ये पुणे के ऑडिशन हो रहे हैं यहाँ, और बहुत सारी गुड लुकिंग लड़कियाँ लेडीज आई हुई हैं यहाँ पे, हम तो देखना चाहते हैं हु इज़ द बेस्ट, और हम सिलेक्ट करने वाले हैं। तो डील बहुत बड़ा हमें वो मिला है टास्क, we're really excited कि मिस जो कॉन्टली कॉन्टेस्ट है मिसेज इंडिया का पुणे राउंड है और वो पुणे में हो रहा है, विच इज़ अ फेवरेट सिटी, सो दैट्स वॉट दिस लाइक द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। एंड लाइक शी सेड, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज इट्स सम लवली लेडीज कमिंग हियर एंड हमें उन्हें जज करना है, एंड वी डोंट लाइक टू गेट जजमेंटल, हम लोग अंदर ही बात करते हैं कैसे जज करें यार, दिस इज सो नॉट फेयर, सो लेकिन करेंगे अभी जो काम है तो निवी या वी डोइंग इट फॉर यू। खास इसलिए आज साड़ी पहनी है, कर लो तारीफ थोड़ी, डांटनी पड़ेगी, ऐसे करो ऐसे करो, मैं घर चली जाऊंगी, आई एम टेलिंग यू, नहीं जस्ट डू दिस, आई एम नेवर डूइंग, आई विल डू तारीफ देन ना, आई एम नेवर डूइंग दिस, आप लोगों को हिंट मिल चुका होगा, एयर इंडिया में आपका स्वागत है, मिसेस इंडिया में आपका स्वागत है, ओह आई मीन टू से मिसेस इंडिया में आपका स्वागत है, No. I think she can really carry it off really well. This is the best way. This is the way she gets the tarif out. So no. I think she looks stunning in the sari. इस उम्र में साड़ी का भार उठाना बहुत बड़ी बात होती है, बचपन से उठाती आ रही है, and she's been doing it very well. And just for your knowledge, this is something very fancy. यहाँ होटल में बहुत सारी वाली पेंटिंग्स थी, ये वाइट साड़ी लेके आई थी, उस पर सारी पेंटिंग्स जो है उसने एक साथ छाप दी है, इट्स प्लीज जूम कीजिए और देखिए ध्यान से, ये वाली पेंटिंग है, दिस इज अ वेरी ग्रेट इंडियन पेंटिंग, या इधर नहीं है, डैम मेरा डिस्क्रिप्शन वेस्ट हो गया, लेकिन साड़ी बड़ी कमाल की है, मैं सिंधी कपड़ों के बारे में और कुछ नहीं कहना चाहूंगी, आपको कहा किसने नहीं ऐसे कुछ तो कह दिया यार, सिंधी कपड़े मतलब सिंधी मतलब अच्छा ब्लिंग है, इट्स नाइस, मैं अपने डांस स्टूडियो में पक्का ये पहनूंगी। अच्छा कितना मराठी तड़का लगने वाला क्या लग रहा है? पुणे आए हैं एकदम, तो पुणेरी तड़का तो होगा ही होगा। आई एम रियली एक्साइटेड, मुझे देखना है कि ऐसा, मैं पुणे कभी भी किसी ऐसे इवेंट के लिए नहीं आई हूँ, और मैं देखना चाहती हूँ कि पूना हमें क्या क्या ऑफर करने वाला है इस बार। सो मनीष आपका तो फेवरेट सिटी है मनीष के, दिस सिटी तो एकदम, हाँ ये तो माय गांव, सो इसके लिए इट्स नॉट माय गांव, इट्स माय गांव, नहीं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बिकॉज ये सिटी, इस शहर ने मुझे हमेशा सरप्राइज किया है, एंड आई एम होपिंग दैट इट सरप्राइजेस मी अगेन टुडे, एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द पैकेज। गुना है तो एक मराठी तड़का तो लगना ही चाहिए, तो लेकिन गाना गाना हो तो मनीष गाना गा लेंगे, गाओ मराठी गाना। देखो मैं अपने हिंदी ऑडियंसेस को परेशान कर चुका हूँ मेरे गायकी के अंदाज से, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पूना आके मैं पिटके जाऊँ, आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट, कोई भी कुछ तो मीठा गाना लागले कड़ा पानी थिम थिम गड़ा रोली और सिद्धांत एक बार फिर दिखाई दिए साथ में, तो क्या कहेंगे अपने फैंस को? खुश होंगे काफी फैंस आपके? एक मिनट, खुश तो बहुत होगी तुम, माइक उड़ा वापस करते हैं। खुश तो बहुत हो गए तुम, हमारे सारे फैंस के लिए एक डायलॉग आज के लिए, आप बोलिए कुछ, हम सालों बाद मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रही है, और आई बी वेरी हैप्पी, ओह माय गॉड, आई बी वेरी हैप्पी, I'll be very happy, she'll be very happy. I'll be very happy कि रोसिट का जो वापस हम लोग reunite हुए हैं after so long, आप लोग वापस आए। Yes. Love you guys. Yes. भाई अभी और मनीष तो रेडी हैं, लेकिन चलते हैं सृष्टि रोड के कमरे में, भाई देखिए कैसे तैयारी चल रही है एयर मिसेस इंडिया को मीट और ग्रीट करने के लिए, बालों को सजाया जा रहा है, खास मेकअप हो रहा है।
और फाइनली अपनी वेस्टर्न ड्रेस के साथ रेडी है सृष्टि रोड। बिग बॉस के घर से निकल के और अब सीधे जज की कुर्सी पर बैठ गई है सृष्टि। सृष्टि, मिसेस इंडिया 2019 एआर मिसेस इंडिया 2019 की जूरी में है, तो क्या सोच रखा है, क्या क्या तड़का देखने मिलने वाला है? पुणे में है आप लोग? आई नो, मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं सेटअप बहुत ही अमेजिंग है और अभी तक के जितने भी इवेंट्स हुए हैं एआर मिसेस इंडिया के वो बहुत ही एक्साइटिंग दिखे हैं। मैंने सोशल मीडिया पर फॉलो कर रही हूँ एंड व्हेन आई गॉट अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ द जूरी पुणे में है, तो क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना तड़का दिखने वाला है, मतलब कैसे कंटेस्टेंट्स? देखिए लोग बहुत दमदार होते हैं, आई नो दैट। कल भी मैं बाहर गई थी, इट्स सम अमेजिंग क्राउड एंड मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंट देखने को मिलेगा एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। क्या सोचा है, मतलब अभी कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं जो परफॉर्मेंसेस टैलेंट राउंड ये सब होंगे और काफ़ी बिजी चल रही है अभी फिलहाल सृष्टि भी तो कैसा जा रहा है, स्केड्यूलिंग कैसा हो रहा है? अभी तो फिलहाल मैं अपने आप को एंटरटेन करने आया, मतलब आई वांट टू बी एंटरटेन बिकॉज मुझे पता है यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग टैलेंट है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ नाइस इवनिंग एंड रही बात बिजी की, यस आई एम कीपिंग वेरी बिजी। लिटरली मैं 2 महीने बाद आई हूँ, वो भी अपने शहर मतलब पुणे आई हूँ, बट इट्स ओके, पास में ही है, बट आई हैव नॉट बीन इन मुंबई इतने टाइम तक एंड आई थिंक 6 महीने हो गए हैं मुझे अच्छा खासा, तो अभी जाके इतने सारे लोगों को देख के थोड़ा अजीब लगता है। जिस पहले बिग बॉस वहाँ पे भी कोई कांटेक्ट नहीं था और अभी अमृतसर में थी हमारे फिल्म शूट, उसमें भी कोई मेरा कांटेक्ट नहीं था, तो आई थिंक अब जाके थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट आई थिंक मैं धीरे धीरे कोप कर लूँगी। रिलीज और कुछ बताना चाहेंगे क्या? अभी अप्रैल में फिलहाल मूवी रिलीज होने की बात चल रही है, लेट्स सी, थोड़ा पैच वर्क बाकी है, काफ़ी कंप्लीट हो गई है और थोड़ी बहुत बाकी है, सो आई थिंक बहुत अच्छी लग रही है, हमारी गाने बहुत ही मज़ेदार हैं, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिलीज। वैसे यार मिस इंडिया की जूरी में सबसे खास अट्रैक्शन रही निवेदिता बासु। भाई भले ही ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हो लेकिन साड़ी वाड़ी पहनकर आज ये बिल्कुल रियल मिसेस इंडिया लग रही हैं। एआर मिसेस इंडिया 2019 और निवेदिता बासु इज हियर, शी कैन शी विल, और यहाँ पर वो जज की कुर्सी पर विराजमान है, तो और विद आप देखेंगे विद अ न्यू स्टाइल। न्यू तो नहीं बना, अच्छा है, देसी अवतार हमारा। मुझे लगा कि मिसेस इंडिया का पैजेंट है तो इट्स अ गुड आइडिया टू स्टिक टू इंडियन वेयर, क्योंकि आई थिंक औरतें सबसे अच्छी साड़ी में ही लगती हैं और हम लोग वेस्टर्न इतना पहनते रहते हैं बॉम्बे में अपने रेगुलर फंक्शंस में, तो मुझे लगा मेरा एक ट्रेडमार्क होना चाहिए कि मैं कुछ अलग पहनूं, और ये जो पर्टिकुलर डिज़ाइनर है विलासिनी करके विनीता गोयल जी, वो बहुत ही मतलब स्टाइलिश चीज़ बनाती है जो बहुत हार्डकोर इंडियन भी नहीं है और वेस्टर्न और इंडियन को मिक्स करके करता है, और मुझे लगता है आजकल की मॉडर्न लड़कियाँ जो कई बार नहीं पहनना चाहती साड़ियाँ ना, उन लोग के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज इसको किसी भी तरह ड्रेप करो एंड वो एक्सेसरीज भी बनाती हैं, तो थोड़ा सा वही स्टाइल थोड़ा देखेंगे किस स्टाइल से किया है, कुछ अलग ज्वेलरी भी काफ़ी डिफरेंट है, तो वो जो ज्वेलरी के पीसेस भी है वो मेरा स्टाइल उन्होंने बनाया है, वो बेल्ट और एक नेक पीस के साथ है जो पूरा कॉम्प्लीमेंट करता है आउटफिट को, और बहुत ही स्टाइलिश उनके प्रिंट्स है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो कॉटन के साथ खेलती है और वो जो है ना मतलब जो वर्क्समैन उनके हैं वो सब मतलब वो हाथ से बनाने वाले कारीगर हैं, जो आजकल इतना शिफॉन्स और जॉर्जेट्स और मतलब श्रीदेवी वाला जो लुक रहता है वो बहुत कॉमन हो गया स्पेशली इन टेलीविजन, और मैंने इतने सीरियल बनाए, ऑलमोस्ट 100 सीरियल मैंने बनाए हैं बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ, तो हम लोग वो एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, तो जब हम लोग खुद उतरते हैं स्क्रीन के आगे ऐसे कुछ जज करने के लिए जैसे कि एआर मिसेस इंडिया, तो एक डिफरेंट आइडेंटिटी होना चाहिए, तो मैं अपना एक डिफरेंट आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ एंड आई होप सबको अच्छा लग रहा हो। पुणे में है तो क्या लग रहा है, क्या कैसा तड़का लगने वाला है, कैसा रिस्पॉन्स रहने वाला है लोग? एक्चुअली पूना हमेशा टैलेंट के लिए बहुत अच्छा रहा था, अगर आपको याद है हमारा एक शो था कयामत करके जिसमें पंछी बोरा थी उसको हम लोग ने पूना से ढूंढा था, और गीतांजलि टिकेकर थी कसौटी में उनको भी हमने पूना से ढूंढा था, तो एक्टिंग के लाइन में हमेशा हमें पूना से बहुत टैलेंट मिलता था, शायद कॉलेजेस होने की वजह से, एजुकेशन सिटी होने की वजह से। आज हम लोग मिसेस इंडिया ढूंढ रहे हैं, तो मैं देखना चाहती हूँ कि मैरिड लड़कियाँ यहाँ की जो हैं जो घर के कामों में इतनी अटक जाती हैं और अपने लिए कुछ नहीं कर पाती, मैं देखना चाहती हूँ कि वो लोग कितना अपने घर से निकल के यहाँ पे एक पैजेंट जैसी जगह में आ सकती है जहाँ पे सिर्फ
ब्यूटी और कॉन्फिडेंस में बहुत कुछ और भी देखा जाता है जब हम लोग उन्हें जज करते हैं. एंड मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा तादाद में लड़कियाँ आएँ. मेरे फिंगर्स क्रॉस्ड हैं कि यहाँ पे अच्छा टर्न आउट हो. और जैसा कि हमने दो एज ग्रुप्स रखे हैं 25 to 35 एंड 35 to 50. मैं चाहती हूँ ज़्यादा 35 प्लस की औरतें आएँ, बिकॉज वो ज़्यादा उनको लगता है कि अब क्या करें ब्यूटी पैजेंट में. तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बहुत कम हैं, बट जो है उस पर एक्सप्लोर करना चाहिए लोगों को, क्योंकि यूजुअली नॉर्मल मिसेज इंडियाज में भी लोग जो सुंदर और वेल केप्ट हैं वही आती हैं. बट एआर मिसेज इंडिया में हमारा मेन हमारा मुद्दा ये था कि हम लोग इसमें बॉडी टाइप को सिर्फ ना देखें बट ब्रेन थिंकिंग आइडियोलॉजीज भी देखें जो औरतें यहाँ पर आ रही हैं. एम्पावरमेंट एग्जैक्टली ये आइडिया ये पैजेंट्स का यही होता है कि हम औरतों को एम्पावर करना चाहते हैं. कई बार औरतें जब हम छोटे शहरों में गए थे जैसे लखनऊ नागपुर, वहाँ पे लोग बोलते थे कि हमारे उधर तो काम तक अलाउड नहीं है, ब्यूटी पैजेंट तो आप क्या बात कर रहे हो. तो पूना में शायद वो प्रॉब्लम ना हो, बट मैं हर बार सरप्राइज हो जाती हूँ एक्चुअली जब मैं मेट्रो सिटी में जाती हूँ. बॉम्बे तक में ऐसी औरतें आ जाती हैं कई बार जो बोलती हैं कि हमें तो काम भी नहीं अलाउड है. तो डेफिनेटली ये पैजेंट लोग सिर्फ ब्यूटी की तरह ना देखा करें. इट इज़ टू एम्पावर वुमेन, बिकॉज यहाँ से निकल के हम लोग बहुत चीज़ें कर सकते हैं औरतों के लिए. जैसा कि मैं पहला कदम इनके साथ अटैच हुई हूँ, तो मेरा जो मेरा कॉज है वो यही है कि हम औरतों को हर तरह से एम्पावर करें. हम ये पैजेंट रख रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. तो कई औरतों को लगता है कि मिसेज इंडिया में बहुत पैसे लिए जाते हैं, तो इसमें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट इसीलिए रखा गया कि लोअर स्ट्रैटा की औरतें भी जो है जो लोअर मिडिल क्लास है उनको लगता है कि हम कैसे जाएंगे ग्लैड रैग्स या कोई भी बड़े ब्रांड के उसमें जहाँ पे पैसा लिया जाता है. तो इसीलिए ये पैजेंट को फ्री रखा गया कि वो एक चीज़ अड़ंगा ना करें कि पैसे की वजह से हम लोग आ ना पाए. क्या क्या राउंड्स रखे गए हैं, कितने राउंड्स होंगे, क्या क्या टैलेंट देखने मिलने वाला है? यूजली हम लोग उनका सबसे पहले वॉक देखते हैं, क्योंकि वॉक में काफ़ी कॉन्फिडेंस पता चल जाता है. कई बार हम लोग सिर्फ वॉक करते हैं एक जगह से, लोग बोलते हैं अरे आपकी पर्सनालिटी कैसी है. तो शुरुआत हम लोग वॉक से करते हैं, उसके बाद वो अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं वो कहाँ से आए हैं. कई स्ट्रॉन्ग वेमेन देखा है, हाउस वाइफ हैं. उसके बाद हम उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं. क्वेश्चन आंसर तो हम लोग पैन करते हैं, मतलब इट इज़ नथिंग टू डू विद ब्यूटी. हम उनके घर के उससे पैजेंट रिलेटेड जो भी एक इंडिविजुअल वुमन का स्टैंडिंग है उस कनेक्शन में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं. और उसके बाद उनका टैलेंट देखा जाता है. तो टैलेंट वाले शोज़ तो बहुत हैं जहाँ पे मैरिड और अनमैरिड स्टेटस मैरिड नहीं मैटर नहीं करता. बट जैसे कि हमने कहा ये स्पेसिफिकली मैरिड वुमेन के लिए है, और कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ वो अपने आप को इंडिविजुअली कितना स्ट्रांग मानती है माइनस द सरनेम ऑफ अ मैरिड पर्सन. मैम आप खुद भी मैरिड और वर्किंग है, तो कितना मतलब क्या कहना चाहेंगे उन वर्किंग और जो नहीं भी कर रही है उनके लिए, उन लेडीज़ के लिए? एक्चुअली होता क्या कि जब भी मैं यू नो स्पेशली मारवाड़ी और गुजराती कम्युनिटी के लोगों को मिलती हूँ जहाँ पे काम नहीं करते, कहते हैं कि आप लोग बोल के चले जाते हैं, ईजी नहीं होता. डेफिनेटली मुझे लगता है कि ईजी नहीं होता बहुत लोगों के लिए जो लोग करना चाहते हैं, बट फैमिली ट्रेडिशंस ऐसे होते हैं, बिजनेस फैमिलीज के होते हैं जहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता. तो मैं तो ब्लेस्ड हूँ एंड आई एम श्योर इट्स मेरी ब्लेसिंग है, बट मुझे लगता है कि कोई ना कोई तरीका ज़रूर होता होगा कि अपने फैमिली को जो आप करना चाहते हो उसमें बिलीव कराने का, विदाउट फैमिली लाइफ डिस्टर्ब करें. मैं नहीं बोल रही कि आप रिबेल बन जाइए कि घर से हम कि मैं सब छोड़ के मैं बस वॉकआउट कर रही हूँ अपनी मैरिड लाइफ से क्योंकि मुझे ये पैजेंट करना है या मुझे कुछ अपनी लाइफ में करना है. तो आई थिंक हमें एक बार अपनी फैमिली को अंडरस्टैंड करना चाहिए. जब हम घुसते हैं ऑब्वियसली एक फैमिली में तो ऑब्वियसली ड्यूटीज हमें कुछ कमिट करनी है जो हमें फैमिली की ड्यूटीज़ है उनको करके. आई थिंक अगर आप अपनी फैमिली और अपने हस्बैंड को अंडरस्टैंड करके कुछ बिलीव कराएं, अगर आपका इतना पैशन है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी, क्योंकि वो लोग खुद भी माँ बाप हैं किसी बेटी के और बेटे के, तो कोई इतना रिजिड नहीं होएगा कि नहीं हम बिल्कुल ही बिलीव करते. तो आई थिंक वो एक तरीका होता है उसको क्रैक करने का. फॉर्चुनेटली हम लोग ब्लेस्ड हैं तो मैं काम कर रही हूँ, और इनफैक्ट मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है शादी के बाद. तो वही पेरेंट्स का सपोर्ट, इन लॉज का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है. तो ऐसे पैजेंट में भी हम यही चाहेंगे कि फैमिली सपोर्ट करें, हस्बैंड स्पेशली सपोर्ट करें, क्योंकि ये कुछ ख़राब चीज़ नहीं है जैसा कि माना जाता है ना कि पैजेंट हो या एक्टिंग लाइन, ये कुछ ख़राब चीज़ नहीं है. बहुत सी औरतें कर रही हैं. इनफैक्ट हम लोग टेलीविजन शोज बनाते हैं उसमें 90% औरतें ही होती हैं. इनफैक्ट हस्बैंड आके और जो मेल कैरेक्टर्स आके वो हमें आके बोलते हैं कि हमारा भी कोई रोल दे दीजिए, हमारा भी कोई डायलॉग दे दीजिए. आई थिंक ये बहुत ही सेफ प्रोफेशन है, बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए. तो पुणे के लिए रेडी? यस, एआर मिसेज इंडिया इज इन पुणे, और मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा औरतें यहाँ पे आएँ और अपना टैलेंट दिखाएं. थैंक यू सो मच.
अब जरा मिलते हैं एआर मिसेस इंडिया की जूरी बॉयज से, जो है कुल्फी कुमार बाजेवाला के तेवर सिंह, जो देखिए यहाँ पहुँचते ही इस बच्चे के साथ कैसे खुश हो गए। भाई लगता है इन्हें कुल्फी की याद आ रही है। तो विशाल है हमारे साथ, जो आज मिसेस इंडिया 2019 के जज के चेयर पे है। जी जज के चेयर पे था मैं, अभी अब तो नहीं हूँ, मतलब था मैं, हाँ हूँ मैं। तो कैसा रहा सेशन? बहुत अच्छा लगा। मैं मॉडल रह चुका हूँ 7-8 साल पहले कॉलेज टाइम पे, और आज एक यहाँ बैठ के जज कर रहा था, और देखो मैं रैंप पे चल रहा हूँ। नॉस्टैल्जिक फीलिंग थी, बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं खुद चला जाऊँ। कितनी यादें ताज़ा हो गई, मतलब क्या क्या याद आ गया, फ्लैशेस? बहुत सारे, मतलब मैं बता नहीं सकता। और सबसे पहली बात तो थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं एयर मिसेस इंडिया को, और पहला को निवी मैम को, आशीष राय जी को, जो उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया कि ताकि जो लोग जिन औरतों के पास, जो औरतें जिनकी शादी हो गई है, जो अपने घर पर हैं, जिनको लगता है कि, मैंने कहा एक बात कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, ना ही वक्त होता है। तो एग्जैक्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आशीष राय जी ने और पहला कदम में मिलकर ये उन महिलाओं के लिए ये सपना, ये ड्रीम दिया है, जाओ तुम उड़ो, देख सकते हो। इट्स नॉट अबाउट जस्ट वॉकिंग अ रैंप और आंसरिंग एनी क्वेश्चन, इट इज अबाउट योर पर्सनैलिटी, इट इज अबाउट योर व्हाट यू वॉन्ट टू गिव टू सोसाइटी। यस, सो फॉर दैट बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छे तरीके से सक्सेस हो। मतलब पुणे में काफ़ी तड़का देखने मिला? हाँ बिल्कुल, काफ़ी तड़का देखने के लिए मिला। हमने जज किया, पर्सनैलिटी जज की, टैलेंट देखा, कॉन्वर्सेशन किया, लेकिन अमेजिंग, इट इज अमेजिंग। विशाल तो टैलेंटेड ही है ही, मतलब लेकिन कोई एक और टैलेंट जो आज यहाँ बताना चाहे, कोई कुछ टैलेंट की झलक? वही इसलिए मैंने पहले बोली। और मॉडलिंग भी की है ये आज हमें पता लगा। अरे क्या बात कर रहे हो, नहीं मैंने बहुत कुछ किया है आपको जैसे बताने के, पॉलिटिक्स किया, डिफेंस ज्वाइन किया था एयरफोर्स, फिर वो नहीं हो पाया उसमें, तो वो नहीं हुआ। फिर सिंगिंग करता हूँ, डांस कर लेता हूँ, एक्टिंग कर ही लेता हूँ, एक्शन क्या करूँ, तो बस एक कुछ मिला जुला हो जाए। गा ही देता हूँ आपको, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी की जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं। थैंक यू। तो क्या कहना चाहेंगे पुणे वालों से? मैं पुणे के जितने भी मिसेस हमारे इंडिया में पार्टिसिपेंट हैं सबको मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा। सबने बहुत अच्छा किया, देखिए हार जीत लगी रहती है, लेकिन अपने अंदर के इस सपने को, इस उड़ान को मरने मत दीजिए। डू गुड, बी गुड, अच्छे लोग बने, देश के लिए सोचें जरूर, यही चाहूँगा सबसे। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन, किल इट। अब जरा मिलते हैं शो के होस्ट आलोक नरूला से, जो सूटेड बूटेड होकर शो का संचालन कर रहे हैं। पुणे से रिस्पांस तो हमें होप है कि बहुत ही अच्छा आने वाला है। वी आर वेटिंग फॉर द बेस्ट फ्रॉम पुणे, यू नो, क्योंकि थोड़ी लंबी वेट जरूर है, वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो हम वही वेट कर रहे हैं। एंड आई होपफुली लाइक द रिस्पांस विल बी वेरी गुड। सभी सितारे रेडी हो चुके हैं, सबने एक साथ फोटोशूट कराया, और उसके बाद शुरू हुआ एआर मिसेस इंडिया के पुणे ऑडिशंस का सिलसिला। सबसे पहले टैलेंट राउंड, जरा देखिए सारी पुणे की गृहणियां कितनी टैलेंटेड हैं। कोई डांस कर रही हैं, गाना गवा रही हैं, भाई इनका टैलेंट देखकर तो ये सितारे भी रुक नहीं पाए, और सबने इन सब के साथ डांस किया। वैसे सुश्री रोड़े को तो गाने का मन है, और उन्होंने इस कंटेस्टेंट के सुर में सुर मिलाया। अब बारी है रैंप वॉक की। भाई पुणे की मिसेस इंडिया बड़ी ही ग्लैमरस है, यकीन नहीं होता, तो जरा देखें इनका रैंप वॉक।
वैसे इन सब के साथ सितारों ने भी रैंप वॉक किया। रैंप वॉक के बाद था मौका जूरीज के सवाल जवाब का। भाई सभी जूरीज ने मिसेज इंडिया से तरह तरह के सवाल पूछे। अब जो कि सास बहू और बेटियां भी एआर मिसेज इंडिया का एक हिस्सा है, इसलिए सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, तो देश की सास बहू और बेटियों से जुड़ा हुआ है। फाइनली एआर मिसेज इंडिया के पुणे ऑडिशंस का अंत हुआ, लेकिन अब जरा मिलते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे कौन लोग जुड़े हुए हैं, और ये दिखाने का जिम्मा लिया विशाल सिंह ने। सिमरन क्या चली गई अपनी जिंदगी जीने वो? और वो मुझे है मिली, देखो यहाँ पे यहाँ मुझको आवाज दो। कहाँ खो गए थे यार? ये जो रुस्तम है ना, ये मेरे छुपी हुई रुस्तम है, जिनकी वजह से हम यहाँ पे हैं। ये ए आर मिसेस इंडिया का जो कॉन्टेस्ट है वो यहाँ पे है। तो सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगा सिमरन से। थैंक यू विशाल, मुझे ढूंढ के यहाँ लाने के लिए आज तक सास बहू बेटियाँ के सामने। आई एम वेरी प्राउड कि आई हैव टेकन अप दिस प्रोजेक्ट एज अ शो डायरेक्टर। इट्स बिकॉज फॉर दोज वुमेंस हु रियली वॉन्ट टू डू समथिंग, यू नो दे कांट डू इट बिकॉज दे हैव रेस्ट्रिक्शंस, सो मैनी रेस्ट्रिक्शन, नॉट वन। सो आई एम वेरी happy that I'm doing this and I'm looking forward to it. Thank you so much. Thank you Vishal. अरे हाँ, इतना आप पूरी दुनिया में जाना कैसे, कोने कोने से talent निकाल के लेके आ रही हैं आप, इतना talent हो गया। मेरा talent ये है कि मैं इस चीज़ के लिए बहुत energetic हूँ और बहुत confident हूँ। शायद क्योंकि मैं कृप कपूर सूरी की वाइफ हूँ, बहुत लोगों के मन में आया भी होगा कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं करना चाहती हूँ। That's something that I always wanted to help those women who really want to look forward in their life. So I'm doing this and I'm very proud and my husband is very proud that I'm doing this. Thank and you. We are also very proud. Yes. Seriously. I have such good friends. So do well. Yes. सभी कंटेस्टेंट्स ने अपने फेवरेट सितारों के साथ फोटोग्राफ्स खिंचवाई और पुणे की गृहणियों में से एक लकी गृहिणी बनी पुणे की चोजन कंटेस्टेंट। तो चलिए, पुणे के बाद अब बारी है दिल्ली शहर की, क्योंकि दिल्ली शहर में सास बहू और बेटिया के साथ टीवी के कुछ और सितारे जुड़ेंगे और हम ढूंढेंगे दिल्ली में कुछ और एआर मिसेज इंडिया। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप भी एआर मिसेज इंडिया की साइट पर जाइए, डिटेल्स लीजिए, रजिस्टर कीजिए और इस कंटेस्ट में भाग लीजिए और बन जाइए सास बहू बेटिया और एआर मिसेज इंडिया का हिस्सा। पुणे से लोकमौचे के साथ आज तक ब्यूरो।